स्वीडन उत्तरी यूरोप का बेहद खूबसूरत देश। ये इलेक्ट्रिक परिवहन और कार बैटरियों का हाईटेक केंद्र भी है। स्वीडन में ई कारों की बैटरियों में लगने वाले कच्चे माल का बड़ा भंडार है। ये बैटरी बनाने वाली कंपनी नॉर्थ वोल्ट के लिए बड़े फायदे की बात है, जो बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है। ठीक है, मैं इसे लगाती हूँ। एमा नीरनहाइम नॉर्थ वोल्ट की मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं। जाहिर है वो भी इलेक्ट्रिक कार चलाती हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि उनके उत्पाद कैसे दिखते हैं, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले उनकी कंपनी के बैटरी सेल। आप इन्हें साथ में रखते हैं, एक दूसरे के अगल बगल। तो पहले हम मॉड्यूल बनाते हैं, जो एक छोटा हिस्सा होता है, जहां हम इन सेल्स को अगल बगल रखते हैं। फिर इन सब को हम एक सिस्टम में रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिट कर देते हैं। फिर वो सिस्टम लगाया जाता है जो बैटरी को नियंत्रित करता है और तय करता है कि बेहतर चार्जिंग के लिए कितना तापमान चाहिए या फिर इन्हें अलग अलग स्पीड से कैसे चार्ज करना चाहिए। उत्तरी स्वीडन में तो पहले से 4000 कर्मचारियों के लिए एक गीगा फैक्ट्री है, जो फुटबॉल के 200 मैदानों जितनी बड़ी है। कंपनी की योजना एक साल में 1,000,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी बनाने की है। जहां उत्पादन किया जा रहा है उन्हें क्लीन रूम्स कहते हैं। यहां हर कार निर्माता के हिसाब से अलग अलग बैटरियों के सेल बनाए जाते हैं। कार में लगा कंप्यूटर तय करता है कि बैटरियां जितना संभव हो समान स्तर पर डिस्चार्ज हों। चार्जिंग स्टेशन पर भी यही चार्जिंग नियंत्रित करता है, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि पहले आधे घंटे में कार 50% से ज्यादा चार्ज हो जाए। नॉर्थ वोल्ट के प्रमुख निवेशकों में जर्मनी की कार निर्माता कंपनियां BMW और Volkswagen हैं, जो इसकी ग्राहक भी हैं। यूरोप में हमारे पास प्रीमियम सेगमेंट है, तो हमारे ग्राहकों की लिस्ट में बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं। तो जब हम बढ़िया बैटरियां बनाते हैं तो हमें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कारों से मुकाबला करने की जरूरत होती है। स्कैंडिनेवियाई देशों में महत्वपूर्ण कच्चे माल के बड़े भंडार हैं। ये नॉर्थ वोल्ट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बैटरियां बनाने के लिए कंपनी को मैग्नीशियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुएं भारी मात्रा में चाहिए। पुरानी बैटरियों को श्रेडर में तोड़कर रिसाइकल किया जाता है, जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए अहम है। साथ ही ये फैक्ट्रियां भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से चलनी चाहिए, जो कार बैटरियों के ग्रीन प्रोडक्शन का इकलौता तरीका है। तो ये हो गया डिप्लोमा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये कैसा चल रहा है। वैसे बैटरियों का उत्पादन अमेरिका, पोलैंड और पुर्तगाल में भी हो रहा है। ये सभी रिसाइकल्ड कच्चे माल पर निर्भर हैं। आजकल इंजीनियर रिसाइकलिंग प्रोडक्शन की प्रक्रिया को ज्यादा कारगर बनाने में जुटे हैं। वो यहाँ ऐसी प्रक्रियाएं विकसित करेंगे जिन्हें हम जर्मनी या पोलैंड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वहाँ जहाँ बैटरियाँ असेंबल की जाती हैं, या जहाँ से वे अपनी लाइफ पूरी होने के बाद हमारे पास वापस आ सके और उसी चक्र में विघटित और डिस्चार्ज करके बैटरी बनाने के सामान में बदली जा सके, जैसा हमने अभी देखा। स्वीडन की गीगा फैक्ट्री का फिर से विस्तार शुरू हो चुका है। जल्द ही जर्मनी में भी ऐसा ही नजारा दिखेगा, जहां गीगा फैक्ट्री 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसमें कुल 4.5 अरब यूरो का निवेश होगा। मांग बड़ी है और बढ़ती ही जा रही है।